नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सनाउसन। आइए देखते हैं मीडिया प्रभारी ललित अग्रवाल आगरा मंडल ब्यूरो चीफ मीडिया सूत्रों से। मथुरा में आंखों की दवाई का हो रहा है काला कारोबार। मथुरा जिसे कि कृष्ण की जन्मभूमि तथा तीनों लोकों से न्यारी कहा जाता है, वहाँ पर आम नागरिक की विचारधारा यह है कि यहाँ पर आज भी समाज सेवा और सत्कर्म करना लोगों की एक दिनचर्या जैसा है। मथुरा में 100-100 किलोमीटर की दूरी से लोग मथुरा के धर्मार्थ चिकित्सालय श्री जी बाबा चिकित्सालय एवं कल्याण करोती रमन लाल शोरा वाले अस्पताल में आते हैं, जहां पर इन संस्थानों के टेस्टी एवं कार्यवाहक के द्वारा हर मरीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। परंतु मथुरा में कुछ ऐसे डॉक्टर भी उपलब्ध हैं जो केवल अपने निजी स्वार्थ के कारण उन दवा कंपनियों की दवाई लिख रहे हैं जो उन्हें अधिकतम कमीशन दे रहे हैं, तथा ये प्रक्रिया मेडिकल स्टोरों के द्वारा भी की जा रही। मेडिकल स्टोर पर वहीं दवाई उपलब्ध हो पाती हैं जो दवा प्रतिनिधि अधिकतम डिस्काउंट दे सके। जो दवाइयां अधिकतम डिस्काउंट में उपलब्ध कराई जा रही हैं वो कंपनियां कहीं ना कहीं दवा की गुणवत्ता के साथ कंप्रोमाइज कर रही हैं। डॉक्टर के प्रमोशन मेडिकल स्टोर के हाथों में रह गया है। मेडिकल स्टोर जो दवा उपलब्ध रहेगी वही दवाई डॉक्टर को मजबूरन लिखनी पड़ेगी। मेडिकल स्टोर को ये भी नहीं पता है कि उस दवाई के अंदर क्या मालिक्यूल है और उसका क्या उपयोग है, क्योंकि अधिकतर मेडिकल स्टोर ने फार्मासिस्ट से लाइसेंस लिया हुआ है। दवा कंपनी का खेल भी निराला है। जो दवाई 20 की बनी रही है वो इस खेल के कारण 150 से 200 तक बिक रही है, क्योंकि उन्हें मेडिकल वाले को 50% डॉक्टर की 30% देना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा वो गरीब मरीज भुगतान करना पड़ रहा है जिसके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं है। ये हाल मथुरा के बहुत ही पुराने डॉक्टर का भी हो गया है, जिन्होंने कुछ दवा कंपनियों से अपनी सेटिंग की है। दवाई उनके काउंटर के अलावा कहीं नहीं मिलती और दवा प्रतिनिधि से वहाँ मिलना ही नहीं चाहते हैं ये। फिर उन्होंने एक दिन रखा है और जिस दिन वो प्रतिनिधि जाते हैं उन्हें वो रात तक बैठा के रखते हैं। माननीय के नरेंद्र मोदी जी जहाँ एक तरफ स्वच्छता मिशन की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में खुलेआम दवा की कालाबाजारी हो रही है, जिसका खामियाजा केवल आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।